यार रॉकी, कल पता क्या हुआ? क्या हुआ रैम्बो? कल मैं शाहरुख को टेनिस में हराकर जब क्लब से बाहर निकला तो सामने रोड पर क्या देखा? एक गोरिल्ला। गोरिल्ला? मुंबई की सड़कों पे, वो भी असली वाला? हाँ, अरे वाह, तेरी तरह बिल्कुल असली। मुझे लगा बेचारा अनजान लोगों के बीच डर रहा होगा अकेला, इसलिए उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधा जू ले गया। अरे वाह रैम्बो, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू गोरिल्ला को जू ले गया। हाँ, उसे जू बहुत पसंद आया। कल जू देखा, आज हम दोनों म्यूजियम जा रहे हैं और फिर मैं रॉक स्टार देखूंगा। रॉक स्टार? फिर तो मैं भी चलूंगा। How was it? Awesome. It's a gift. Summer, it's not working here. क्यों? इस तरह के सिली कॉमेडी के दिन गए हैं। लेकिन दानिश, नेक्स्ट सीजन के लिए मेरा फ्यूचर प्लान तो सुन लो। सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, हर एपिसोड में किसी सुपरस्टार रॉकी और रैम्बो के साथ में फंसती है ना? यस सर, और ये सैंपल एपिसोड। समर, तुम्हें क्या लगता है फिल्म स्टार्स बच्चे हैं जो यहां पर आएंगे इन गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने के लिए? लुक, मैंने माइंड सेट कर लिया है, मैं ये शो बंद कर रहा हूं। लेकिन अंशुमन जी ने तो कहा था कि ये शो कभी। अंशुमन इज नाउ हिस्ट्री। अब इस चैनल का नया प्रोग्रामिंग हेड मैं हूं, और अगर मैंने फैसला किया है ये शो बंद हो रहा है तो ये शो बंद हो रहा है। But Danish, you can't do that with us. हमने इस प्रोग्राम में बहुत पैसे, बहुत इन्वेस्ट किया है। मीटिंग इज ओवर जेंटलमैन। आई थिंक अगर बहस करने से आप किसी नए शो पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जो कि लोगों को पसंद आए। ये पपेट शपेट्स का जमाना क्या? But this is a hit show. People like this show. But I want a super hit show. पंकज, यस सर, आप इनके साथ बैठ करके इनका एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करिए जी, और अनुपमा के साथ मेरे कैबिन में आइए, मुझे शो के रिप्लेसमेंट के लिए डिस्कशन करना है, ओके? और हाँ, ये मेरे ऑफिस में भिजवा देना, ओके? नया शो, ब्लडी डॉग। मुझे अच्छे से पता है कि हमारे शो को कौन सा शो रिप्लेस करने वाला है। उसकी गर्लफ्रेंड मेघना सामंत का स्टूपिड टॉक शो। शिप्रा प्लीज। सब इसकी प्लानिंग है। एंड व्हाट शिप्रा प्लीज? मैं किसी के बाप से नहीं डरती। I'm sorry समर, I know तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं और पंकज क्या कर सकते हैं? We can't go against our boss. दो साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। और मेरा क्या होगा? इस शो के बूते पे मैंने घर का दूसरा लोन भी लिया था। What will I do? Relax guys, कुछ सोचते हैं। रॉकी, डोंट वरी यार, मैं तब तक ये एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता हूँ। आप लोग कुछ चाय वाले हो गए? No, thanks. Thank you. Anu, can I please have a word with you? Coming. Thank you.
Hey, Meghna, darling, how are you? I'm fine, how are you? I have a great news for you. ये रॉकी और रेम्बो का जो शो है ना, इसका स्लॉट मैं तुम्हें दे रहा हूँ. Wow, really? Yes, 100%. I love you. तुम वादे के बड़े पक्के निकले. अब वो तो मैं हूँ. बस देखती जाओ. आने वाले दिनों में मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ? Okay, I'll call you later. Hey, Rocky. Chill, man, chill. What happened? Look, I have a very good idea for you. तू ये टीवी शिवी का चक्कर बंद कर दे और शहर शहर में घूम करके ना स्टेज शो कर. उससे बहुत पैसे आते हैं. So, how is the idea? बचाओ, कोई है, बचाओ, दरवाजा खोलो. ये आवाज किसकी है? दानिश सर? Help, बचाओ मुझे. बचाओ. दानिश सर, are you okay? रॉकी ने मेरे पेट में चाकू मार दिया है. रॉकी! दानिश सर, क्या रॉकी अंदर है? वो बाथरूम की खिड़की से भाग गया. क्या तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है? जी. जल्दी खोलो. और पिछू दूध वाला आएगा ना, तो उससे 1 लीटर दूध लेकर गैस पर गरम करने का, फिर नीचू से गैस बंद कर देने का, फिर कटका फटका करके धोबी को कपड़ा घड़ी करके पोटला में बांध कर दे देने का. अभी मैं फोन रखती हूँ. मिस्टर बिल मौर्या, आपकी हिंदी सुनकर कोई नहीं कह सकता कि आप मिस्टर केडी पाठक की सेक्रेटरी हैं. क्यों, क्या गलत है मेरा हिंदी में? कुछ गलत नहीं है आपका हिंदी में, आपकी हिंदी व्याकरण में थोड़ी बहुत भूल सुधार की आवश्यकता है. अरे मेरा आखा कॉलोनी में सब लोग ऐसा ही बात करता है. तो चलिए, आज के बाद इस दफ्तर में आप और मैं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करेंगे. किसका लाभ? रॉकी और रैम्बो वो शो देखा है मैंने रेड चैनल पर, समस्या क्या है? जी, मैं ये कहूंगा कि रॉकी को रेड चैनल के प्रोग्रामिंग हेड मिस्टर दानिश की मौत के लिए गिरफ्तार किया गया है, पर उसका ये कहना कि वो बेकसूर है. जबर साहब, आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूंगा, एक दोस्त और एक प्रोड्यूसर होने के नाते मैं उसका संदेश आप तक लेकर आया हूँ. क्या आप उसका केस लड़ेंगे केडी जी? प्लीज केडी, रॉकी को बचा लो. मेरा अखा कॉलोनी का बच्चा लोग उसका फैंस है. फैंस को हिंदी में प्रशंसक. तो रॉकी के बारे में और क्या बता सकते हैं आप मुझे? मिस्टर पाठक. मिस देवयानी बोस, लॉ स्कूल की देवी. थैंक यू. व्हाट अ सरप्राइज टू सी यू. एक्चुअली आई एम नॉट सरप्राइज्ड. एक हारा हुआ केस सिर्फ आप ही जीतने की कोशिश कर सकते हैं. देवी हमेशा की तरह तेज, आज भी केस प्रारंभ होने से पहले ही अपना निर्णय सुना दिया. वेरी गुड. एक्चुअली नॉट वेरी गुड, इट्स वेरी सिंपल. जब एक मरता हुआ आदमी खुद अपने मुंह से अपने कातिल का नाम बता दे, तो मुझे नहीं लगता कि बहस करने के लिए कुछ ज्यादा बचता है हमारे पास. अब आप आई है तो बहस तो होगी अदालत में. थैंक यू. सी देयर. Excuse me? सर, ये मेघना सावंत है. दानिश नागरानी रॉकी का शो इसी को देने वाला था. Strong of you. जैसा मैंने दानिश सर को नहीं मारा है और मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ. प्लीज बिलीव मी. रियली मुझे एक बात समझाइए कि इस खंजर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? जैसा ये खंजर बोर्डरूम में गिर गया था, तो सिर्फ मैंने इसे उठा के उसके स्टैंड पे रखा था और उसके बाद मैंने इस खंजर को हाथ तक नहीं लगाया. लेकिन मिस्टर दानिश नागरानी जब बाथरूम गए थे, क्या ये सच नहीं है कि आप उनके पीछे पीछे वहां पर गए थे? मैं बाथरूम में जरूर गया था, लेकिन सिर्फ उनसे बात करने, ना कि उनका मर्डर करने. दानिश सर, टेल मी, मेरा शो एक हिट शो है, तो आप उसे बंद क्यों कर रहे हैं?
Why are you doing this? लॉकी, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मुझे हिट शो नहीं, मुझे सुपर हिट शो चाहिए। दानिश सर, आप मेरे करियर के साथ खेल रहे हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लॉकी, अपनी खाल में रहे वरना अगले 10 सालों तक इस चैनल का मुंह भी नहीं देख पाओगे। दानिश, मैं तुझे देख लूंगा। देख तो मैं भी तुझे लूंगा, लेकिन अफसोस टीवी में नहीं। वेट एंड वॉच। मिस्टर दानिश नागरानी की लाश पर तुम्हारी उंगलियों के निशान उस धमकी की वजह से थे, और तुम्हारा ये नीला रुमाल, इसे तुम वहां पर भूल कर गिराए थे। जी, मैंने दानिश सर का हाथ जरूर गुस्से में पकड़ा था, लेकिन उसके बाद मैं वहां से निकल गया था, और मैं नहीं जानता कि मेरा रुमाल वहां कैसे गिर गया। क्योंकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कठपुतली रैम्बो था। I'm very surprised कि तुम उस कठपुतली को शौचालय में कैसे नहीं छोड़कर आए। जी नहीं, बल्कि मैंने तो रैम्बो को बाहर छोड़ दिया था टेबल पर, क्योंकि मेरे शो की क्रिएटिव डायरेक्टर शिप्रा उसे ले जाने वाली थी, क्योंकि उसे रैम्बो की ड्रेस रिपेयर करनी थी। मुझे नहीं पता कि रैम्बो उस बाथरूम में कैसे पहुंचा। इनफैक्ट कत्ल के 5 मिनट पहले मैं वहां से निकल गई थी। कहां चली गई थी? वो मेरी एक और मीटिंग थी। रैम्बो मेरे पास नहीं बल्कि रॉकी के पास था। शिप्रा, शायद रॉकी ने ही रैम्बो को उस बाथरूम में छोड़ा होगा। देखिए, ये वो वाह, आप कहीं जाइएगा मत, मैं यूं गया और यूं आया। योर ऑनर, वो कठपुतली रैम्बो जिसे पुलिस ने मौका वारदात से मरहूम दिनेश जी की शरीर के पास पाया था, वो यहां साक्ष्य के रूप में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, कहां गया? थैंक यू केडी, मैं खुद इस विषय पर आने वाली थी। योर ऑनर, बदकिस्मती से वो कठपुतली मिसिंग है, किसी ने उसे गायब कर दिया। लेकिन मिस्टर दानिश की बॉडी के पास कुछ लिए हुए फोटोग्राफ्स हमारे पास है। गायब हो गया रैम्बो, गायब हो गया? केरी प्लीज, वो एक कठपुतली है, एक पपेट, कोई चश्मदीद गवाह नहीं जो इस कटघरे में आकर अपना बयान दे। ना ना ना, मैं जानता हूँ कि रैम्बो एक कठपुतली है, वो कठपुतली है जिसे पुलिस ने मरहूम दानिश नगरानी के मृत शरीर के पास पाया, वो कठपुतली है जिसके आधार पर आपने रॉकी उपनाम रणदीप सिन्हा के विरुद्ध ये केस खड़ा किया है। क्या ये संभव नहीं प्रोसिक्यूटर महोदया कि उसका गायब होना किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो, एक साजिश हो? नहीं मिस्टर पाठक, ये कोई साजिश, कोई षड्यंत्र नहीं। क्यों? ये सिर्फ गहमा गहमी में किया गया एक कत्ल है। मेरा मतलब, उस वक्त मिस्टर रॉकी सिन्हा बहुत नाराज थे और ये कत्ल उन्होंने उसी तैश में किया। नहीं, जैसा मैंने किसी को नहीं मारा। प्लीज बिलीव मी, आप प्लीज मेरे प्रोड्यूसर समर भाई से पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे बाथरूम से बाहर निकलते देखा था। प्लीज समर भाई कुछ बोलिए ना। जी, मैंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। क्योंकि मैं मोबाइल पर बिजी था। अगर वो कह रहा है कि वो बाहर आया तो शायद वो जरूर बाहर आया होगा। This is complete rubbish. रॉकी उस दरवाजे से अगर बाहर आया तो दानिश को अंदर से किससे लॉक किया था? और फिर दानिश की चिल्लाने की आवाज जो आप सबने सुनी, How do you explain that to me? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दानिश जो है वो रॉकी का नाम पुकार रहा था, और मैं तो क्या, दूसरे लोग भी वहां पर मौजूद थे, अनुभव थी, पंकज था। मिस्टर अरोरा ने कहा कि सब ने आवाज सुनी, आपने सुनी? क्या सुना आपने? जी, वो कह रहे थे कि रॉकी मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। यही कहा दानिश सर ने? यही कह रहे थे दानिश सर। और उस समय आप कहाँ थी उस माहौल में? जी, उस बाथरूम के दरवाजे के बाहर। बाथरूम के दरवाजे के बाहर? तो पंकज जी, क्या आपने भी शौचालय के द्वार के उस पार से केवल मरहूम दानिश नागरानी की ही आवाज सुनी या रॉकी की आवाज भी सुनी थी? जी नहीं सर, वहाँ रॉकी की आवाज नहीं थी, सिर्फ दानिश सर की आवाज थी, और एकदम से वो बहुत जोर से चीखे, रॉकी ने मेरी पीठ में खंजर मार दिया है। और जैसे हम लोग दरवाजा खोलकर अंदर घुसे,
तो योर ऑनर मिस्टर दानिश नागरानी की लाश जमीन पर, उनकी छाती में वो खंजर घुसा हुआ, उनके हाथ में रॉकी का नीला रुमाल और एक खुली खिड़की जिसका इस्तेमाल रॉकी ने किया वहां से भागने के लिए। आपके इस वर्णन के लिए आपका आभार मानता हूं प्रोसिक्यूटर महोदय। क्यों आपको इतना विश्वास है कि रॉकी उस खिड़की के माध्यम से ही मार गए थे? क्योंकि मिस्टर पाठक उस बाथरूम से निकलने का और कोई रास्ता नहीं, यानी कि और कोई दरवाजा नहीं, तो बचती है सिर्फ एक खिड़की। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर महोदया की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उस शौचालय के मुख्य द्वार के अलावा वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो खिड़की। और मेरे सहायक वरुण उस शौचालय का निरीक्षण करने गए थे। योर ऑनर, वो शौचालय और वो खिड़की उस कार्यालय की पहली मंजिल पर है। खिड़की के बाहर ड्रेनेज पाइप्स लगे हुए हैं जो जमीन की तरफ जाते हैं, और नीचे फूलों का एक बागीचा है जहां दोपहर 1 बजे रोज पानी डाला जाता है। हत्या का समय 2:15। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि उस समय मिट्टी गीली रही होगी। अगर मेरे मुवक्किल रॉकी उस खिड़की द्वारा बाहर गए होते तो नीचे उतरने का एक ही तरीका है, ड्रेनेज पाइप्स। लेकिन उन ड्रेनेज पाइप्स पर उनके वहां से उतरने का कोई निशान नहीं था, ना ही उस गीली मिट्टी पर उनके पांव के निशान पाए गए। मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनसे यह पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि उस दिन उस शौचालय की खिड़की से मेरे मुवक्किल रॉकी तो क्या कोई भी नहीं उतरा। रियली केडी, तो फिर रॉकी बाथरूम से निकला कैसे? सरल तरीके से, मुख्य द्वार, मेन डोर। कमाल कर दिया, ये तो कमाल ही कर दिया आपने। उसका मतलब आपके कहने के अनुसार रॉकी ने कत्ल किया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। तो मिस्टर दानिश नागरानी ने मरते समय जो रॉकी के लिए कहा कि रॉकी मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है, वो झूठा है? मतलब मिस्टर नागरानी ने खुद को खंजर मारा और सारा ब्लेम मिस्टर रॉकी पर डाल दिया? आई डोंट नो रियली योर ऑनर। मरहूम दानिश नागरानी के अपने हमलावर को, अपने हत्यारे को रॉकी नाम से पुकारना, ये बात सत्य है या मिथ्या, इस समय इसकी पुष्टि करना जरा कठिन है। लेकिन मेरे लिए इस बात की पुष्टि करना बहुत सरल है कि मेरे मुवक्किल रॉकी उस दिन उस शौचालय में थे ही नहीं। ये केस छोड़ दो वरना किसी को दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लॉर्ड रैम्बो। केडी, क्या हुआ? क्षमा चाहता हूं यार, कुछ नहीं। रॉकी, जरा अदालत को कृपया कर बताएं कि आप उस शौचालय में थे या नहीं। नहीं सर, मैं उस बाथरूम में नहीं था, बिल्डिंग की लॉबी में था। और जैसा मैं किसी खिड़की से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे आया था। और हमारी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे नीचे उतरते हुए देखा और मेरे साथ फोटो भी खिंचवाई। आप प्लीज उसे बुला के पूछ सकते हैं। जी साहब, रॉकी साहब सीढ़ियों से नीचे आए थे। हमारा बच्चे लोग आए ना, रॉकी साहब का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए उनका शो ध्यान से देखते हैं। हम रॉकी साहब से इसलिए मिले कि उनसे ऑटोग्राफ ले और फोटो ले सके। एक मिनट सर, ऑटोग्राफ ले सर। सर आप, मेरा बच्चे लोग आपको बहुत बड़ा फैन है साहब जी, एक फोटो भी हो जाए उनका दिखाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, प्लीज सर। तो ये बताइए तेज बहादुर जी कि घड़ी में क्या समय हो रहा था? टाइम मालूम नहीं साहब जी। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि आपने वो तस्वीर कैमरा से ली थी या अपने मोबाइल फोन से, कैसे ली थी? वो अपना सेल फोन पे खींचा था ना। तो है अभी आपके पास? जी जी, जी। वो चित्र भी होगा? जी जी। आप कृपया कर बताएंगे मुझे? जी, एक मिनट सर, ये देखिए आ गया। क्या बात है तेज बहादुर जी, बहुत ही आकर्षक चित्र। जी, और चित्र से अधिक आकर्षक योर ऑनर, चित्र के लिए जाने का समय है।
इस मुकदमे के हर साक्षी ने अपने कथन में हमें बताया कि हत्या 2:15 पर की गई थी और इस चित्र के लिए जाने का समय योर ऑनर 2:11 है। हत्या के सिर्फ 4 मिनट। क्वाइट प्लीज, यू मे प्रोसीड। अब आप ही बताइए योर ऑनर कि ये कैसे संभव है कि मेरे मुवक्किल रॉकी 2:11 पर रेड चैनल की लॉबी में अपने सुरक्षा कर्मी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे और 4 मिनट बाद पहले माले के शौचालय पर मिस्टर नागरानी पर हमला कर रहे थे। हाउ इज इट पॉसिबल योर ऑनर? योर ऑनर, मैं केरी से ये पूछना चाहूंगी कि मरते वक्त मिस्टर नागरानी ने रॉकी का नाम ही क्यों लिया? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन मिस बोस। थैंक यू। लेकिन आपका ये प्रश्न इस कथा के दूसरे भाग का है। पहला भाग यही समाप्त होता है योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल रॉकी निर्दोष है, ये हत्या इन्होंने नहीं की। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। सब ये टिश्यू आपके फाइल में आया कहां से? हाँ, मेरे को पता है। 5 मिनट के लिए कोर्ट का लॉयर्स लाइब्रेरी में ये फाइल ना अकेला छोड़ दिया था। उसी टाइम पे किसी ने काला कांडी किया होगा। लॉयर्स लाइब्रेरी में? इसका अर्थ ये हुआ कि हत्यारा अदालत में उपस्थित था। और सब इस टिश्यू पर रैम्बो का नाम क्यों लिखा है? वो तो महज एक कठपुतली है। हाँ, लेकिन इस कठपुतली की डोर किसी न किसी के हाथों में तो होगी, और जहां तक मेरा अनुमान है किसी महिला के हाथ में। पहचाना होगा, स्ट्रॉन्ग लेडीज परफ्यूम, ठीक उसी तरह का जिस तरह का परफ्यूम उस दिन मेघा सामंत ने लगाया था। वरुण जरा अब मेघना जी का नंबर ढूंढ, बात करते। राइट, क्या हुआ? सर, द फोन इज रिंगिंग। हेलो मेघना जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ मैं। आपसे मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। काट दिया। पहले इतना प्यारा प्रेम पत्र लिखती है और फिर फोन काट देती है। सर, ये बॉक्स कोई ऑफिस के बाहर छोड़ के गया है, इस पे कोई नाम पता नहीं है। वरुण देख जरा। सर, डीवीडी प्लेयर है। सर, इसमें सीडी भी है, चलाओ। हाँ चलाओ सर। इस पपेट को वही व्यक्ति चला रहा है जो नहीं चाहता कि मैं यह केस लड़ूं। किन्ना, मेघना सामंत को धमकी देने का अर्थ? सर, आई होप ये गंदा मजाक है। मजाक कभी कभी संजीदा हो जाता है। हेलो मेघना जी, मैं केडी पाठक बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी जान खतरे में है। जान तो तुम्हारी मुवक्किल के खतरे में है,
रॉकी ने दानिश को मारकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मेघना जी मेरी बात सुनिए, किसी ने आपको धमकी दी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, गेट लॉस्ट एंड गो टू हेल। मेघना जी, गुड गॉड, बीप की आवाज कहां से आ रही? वीरा रैम्बो, उसने सीडी पे कहा कि मेघना की मौत, पर ये कैसे हो सकता है? ये तो तुम ही बताओगे। अच्छा ये बताओ कि क्या कोई और इंसान है जो उतनी ही खूबी से रैम्बो को चला सकता है जितना कि तुम? हाँ, मेरे अलावा एक इंसान और है, शिप्रा। क्योंकि शिप्रा ने रैम्बो का पपेट डिजाइन किया था, और तो और मेरी तरह वो भी एक वेंट्रिलोक्विस्ट है। वो भी बिना होठ हिलाए अपनी आवाज को इधर से उधर पहुंचा सकती है। शिप्रा पर मुझे पहले से ही संदेह था। तुम्हारी बेगुनाही तो लगभग साबित हो गई है, बस अब अदालत में शिप्रा का गुनाह साबित करना बाकी है, जो मैं कल कर दूंगा। योर ऑनर, पहले ये पत्र और उसके बाद वो डीवीडी जिसमें रैम्बो के माध्यम से उसने मुझे धमकाया और फिर कहे अनुसार मेघना सामंत की हत्या कर। योर ऑनर, स्वर्गवासीय दानिश नागरानी का हत्यारा न केवल खुलेआम घूम रहा है बल्कि उसने अपने इस हत्या के सिलसिले को जारी भी रखा है। ग्रेट, आपके अनुसार मेघना सामंत की मौत और मिस्टर नागरानी का कत्ल, इसके पीछे एक ही इंसान है, राइट? वैसे मैं आपसे ये बताना चाहूंगी केडी कि जिस दिन मेघना का एक्सीडेंट हुआ उस दिन इस शहर में 4 और लोग मरे अलग अलग कार एक्सीडेंट्स में, तो इस हिसाब से तो उनका भी कनेक्शन होना चाहिए इस केस से, है ना? योर ऑनर, उस व्यक्ति ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा था कि मेघना सामंत उसकी अगली शिकार है। मिस्टर पाठक, दिस इज इनक्रेडिबल। आपसे कठपुतली ने आकर ये कहा कि अब वो मर्डर्स करने वाला है। अगर आपके पास इन बचकानी बातों को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत ना हो तो इन्हें दोहरा कर और बड़ा पचपना मत कीजिए। यही सुनना चाहता था वो, और यही वो चाहता था कि सबकी सोच भी ऐसी हो, इसीलिए योर ऑनर उसने उस डीवीडी प्लेयर में बम फिट किया ताकि मेरी बात का और उसके अस्तित्व का कोई आधार ना रहे। योर ऑनर, मैं उस कठपुतली को नहीं, उस व्यक्ति को खोज रहा हूं जिसके हाथ में उस कठपुतली की डोर है, जिसे इस समय अदालत में होना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से फरार हो गया। तुम किसकी बात कर रहे हो केडी? योर ऑनर, रॉकी और रैम्बो शो के सृजनात्मक संचालक और रचयिता मिस शिप्रा देसाई की बात कर रहा हूं मैं। उनका दानिश जी की हत्या से क्या लेना देना है? मैं चाहता हूं कि इस शो के निर्माता मिस्टर समर अरोरा कटघरे में आकर हमको बताए। इजाजत है जी, मैं और शिप्रा रेड चैनल एक साथ जाने वाले थे लेकिन मुझे बगैर बताए वो पता नहीं कहाँ चली गई, पहले निकल गई। शुरू से ही शिप्रा जो है वो गरम दिमाग की लड़की है, बात बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत रेस्टलेस है, और रॉकी को तो बहुत गुस्सा करती है। तो क्या आपको लगता है कि इस क्रोध के चलते वो किसी की हत्या भी कर सकती थी? जी मैं कत्ल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ हम सभी लोग शिप्रा को बहुत सनकी समझते थे। और जज साहब, अगर सोचा जाए तो उस दिन सिर्फ 2 लोग वहां मौजूद नहीं थे, एक रॉकी और दूसरी शिप्रा। तो क्या यह संभव नहीं कि शिप्रा ने ही स्वर्गीय दानिश जी की हत्या की हो? शायद
उन्हीं की घनिष्ठ मित्र। रेड चैनल में आपकी सहयोगी निर्माता अनुपमा दत्ता इस बात पर रोशनी डाल सकती है। अनुपमा जी, उस दिन मीटिंग के तुरंत बाद शिप्रा जी ने आपको अलग ले जाकर एक गुप्त बात बताई थी, कृपया कर अदालत को बताइए कि वो बात क्या थी। जी, एक्चुअली वो उस दिन मुझसे कह रही थी कि हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, जो मैं कह रही हूँ उसे सीक्रेट ही रखना। रॉकी और रैम्बो का ये शो इस चैनल से नहीं हटने वाला, ये बात तो पक्की है 100%। लेकिन दानिश सर के होते हुए ये दानिश को कैसे संभालना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू बस मेरा एक काम कर दे। क्या? एग्जिट कॉन्ट्रैक्ट जितना डिले करवा सकती है प्लीज करवा दे। लेकिन यार प्लीज, इट्स अ फेवर। और फिर शिप्रा वहां से दानिश सर के कैबिन की तरफ चली गई। मुझे तो शक है कि जिस गुस्से में वो थी दानिश सर की जान उसी ने ली होगी। तो अनुपमा जी, आपने ये बात इस मामले की पहली सुनवाई में क्यों नहीं कही? सर, 10 साल की पुरानी दोस्त पर अचानक से कत्ल का इल्जाम लगाना आसान काम नहीं है सर। अच्छा, तो शिप्रा मेंस टॉयलेट में गई और उन्होंने जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर दानिश का कत्ल कर दिया। तो लॉजिकली देखा जाए तो दानिश को मरते समय शिप्रा का नाम लेना चाहिए था। उसने रॉकी का नाम क्यों लिया? मैं जानता था प्रोसिक्यूटर महोदया कि आपका यही प्रश्न होगा और उम्मीद थी मुझे योर ऑनर कि शिप्रा स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देती, किंतु दुर्भाग्यवश बुला पता है और उसकी अदालत में अनुपस्थिति उसके अपराध का चिन्ह है योर ऑनर। यू राइट केडी, मिस शिप्रा का अचानक इस तरह गायब होना विचित्र है। एक्सक्यूज मी केडी सर, वरुण अदालत है सर, इंपॉर्टेंट मैसेज है सर। क्षमा योर ऑनर, क्या है वरुण? सर, आपके फादर के बारे में मैसेज है। ओके केडी योर ऑनर, मैं आई अप्रोच द बेंच। यस, अभी अभी एक अज्ञात नंबर से संदेश आया है कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य गंभीर स्थिति में है। हो, आप अनुमति दें तो मैं, और ऐसा है तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू योर ऑनर। यह अदालत 20 मिनट की रिसेस लेती है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? लॉयर्स लाइब्रेरी, तुम्हारे डेस्क का दूसरा दराज। सर, एक और सीढ़ी। मेघना मरी, लेकिन फिर भी तुम पीछे नहीं हटे। कोई
सब अब क्या करें? सर मैं पुलिस को फोन करता हूँ। देखो पुलिस को इत्तला की तो वो शिप्रा को मार देगा। तो फिर क्या करें केडी? कोई दूसरा रास्ता नहीं, मुझे ये केस हारना होगा। सब अगर आप केस हार गए तो रॉकी को उम्र कैद हो जाए या फिर फांसी। तुम हार गए तो वो मर सकता है। जानता हूं मैं, कैसी दुविधा है, एक बेगुनाह को बचाने के लिए दूसरे बेगुनाह की कुर्बानी। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। ओके केडी जी, धन्यवाद। इस रुकावट के लिए क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। आपकी अनुमति हो तो केस को आगे बढ़ाएं। यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा मानना है कि स्वर्गीय दिनेश नागरानी की हत्या शिप्रा देसाई ने की है, क्योंकि उस दिन शौचालय की उस खिड़की से रॉकी नहीं शिप्रा देसाई भागी थी। अच्छा, पर जहां तक मुझे याद है मिस्टर पाठक, आपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उस बाथरूम से कोई नहीं भागा था, उस ड्रेन पाइप पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं थे और नीचे की जो गीली मिट्टी थी वहां पर भी कोई इम्प्रिंट नहीं था, करेक्ट? हाँ, यही कहा था मैंने। लेकिन योर ऑनर, इस बात पर दोबारा विचार विमर्श करने के बाद मुझे लगता है कि शिप्रा देसाई ने कोई और उपाय किया होगा उस खिड़की से भागने का। और इसकी पुष्टि करने के लिए मैं अपने सहायक वरुण को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। वरुण, तुमने अदालत को बताया था कि उस खिड़की से नीचे तक आने का रास्ता सिर्फ वो पाइप है, राइट सर? और कुछ नहीं? नहीं सर, और कुछ नहीं। वरुण जरा सोच के बताओ, कोई तार, कोई रस्सी जिसकी मदद से शिप्रा नीचे तक उतर पाई हो? नो सर। कोई केबल, कोई कुछ भी? जी सब, सब मोटा सा केबल था जो उस खिड़की से उसी बिल्डिंग की लॉबी की ऊपर वाली छत तक जा रहा था सर। तो ये संभव है कि शिप्रा देसाई ने उस केबल की मदद लेकर लॉबी के ऊपर वाली छत पर पहुंचकर फिर सीढ़ियों द्वारा लॉबी के बाहर गई? तो ये काम तो रॉकी भी कर सकता है, क्योंकि उस केबल से फरार शिप्रा नहीं बल्कि रॉकी हुआ था और इसीलिए वहां पर कोई निशान नहीं थे। लेकिन सर, मैं तो कदल से पहले लॉबी में था। तो इस तरीके से मेरे बाथरूम में होना इम्पॉसिबल है और आप ये बात प्रूव कर चुके हैं। सर प्लीज हेल्प मी। हाँ, मैं ये बात साबित कर चुका हूं योर ऑनर। लेकिन क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने सुरक्षाकर्मी तेज बहादुर जी के फोन पर शिप्रा की भी तस्वीर देखी थी? योर ऑनर, मैं एक बार तेज बहादुर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। इजाजत। नहीं साहब जी, उस मैडम का हम फोटो लिए ही नहीं, कसम से। तेज बहादुर सिंह जी, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने उनकी तस्वीर आपके मोबाइल फोन पर देखी है? आपके पास वो फोन है, जरा बताइए जल्दी। जी जी, ये लीजिए। केडी, शिप्रा की तस्वीर इस मोबाइल में ढूंढकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? अभी बताता हूँ योर ऑनर। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, इसमें तो शिप्रा की कोई तस्वीर नहीं। मैं यही तो बोल रहा हूँ साहब जी, जब फोटो लिए ही नहीं तो कैसे मिलेगा ये? आप फोन पर समय ठीक है? जी साहब। 3:05? जी साहब। जस्ट अ मोमेंट, क्या मैं ये फोन देख सकती हूँ? थैंक यू योर ऑनर। सिक्योरिटी गार्ड तेज बहादुर के मोबाइल फोन पर जो घड़ी है उसका समय गलत है, वो पूरे 20 मिनट पीछे है। और इसका क्या मतलब है ये हम सब समझते हैं। क्या प्रोसिक्यूटर महोदय, क्या कहना चाहती है आप? क्या मतलब है आपका? मतलब ये मिस्टर पाठक कि तेज बहादुर के मोबाइल फोन पर जो क्लॉक है वो 20 मिनट पीछे है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि तेज बहादुर जी ने मिस्टर रॉकी सिन्हा के साथ जब तस्वीर खिंचवाई तो वो कत्ल से 4 मिनट पहले नहीं बल्कि कत्ल से 16 मिनट बाद की तरफ। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू मिस्टर पाठक, आपने अनजाने में मेरा काम और आसान कर दिया। नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर मिलॉर्ड। रॉकी सिन्हा ने दानिश को उस खंजर से मारा, बाथरूम की उस छोटी सी खिड़की से एक केबल की मदद से वो टेरेस के ऊपर गए। टेरेस जो कि ऑफिस की लॉबी के ऊपर है, वहां से उन्होंने सीढ़ियां ली और सीढ़ियों से वो नीचे आए और नीचे आने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड तेज बहादुर के साथ मोबाइल पर वो फोटोग्राफ खींची। यदि ऐसा है केडी, तो अब तक की गई तुम्हारी पूरी दलील बेकार है। रॉकी पर गहरा शक दोबारा आ जाता है। सर, सर प्लीज बिलीव मी, मैंने दानिश सर को नहीं मारा है सर। सर मैं कभी, सर मैं ऐसा कर ही नहीं सकता सर। प्लीज सर, केडी सर प्लीज हेल्प मी सर, मेरे प्लीज। सिर्फ 25 मिनट है तुम्हारे पास, केस हारो शिप्रा आजाद, केस जीते तो शिप्रा जिंदगी से आजाद। प्लीज केडी सर, ऐसा मत कीजिए, ये लोग मुझे फांसी चढ़ा देंगे। मेरे तो छोटे भाई बहन है, मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है मुझ पे। प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, मैं मर जाऊंगा। प्लीज बिलीव मी केडी सर। सोच क्या रहे हो, जल्दी जाओ, 25 से 24 मिनट काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केडी पाठक, तुम्हारी जिंदगी की पहली हार का। योर ऑनर, मिस्टर रॉकी सिन्हा ने मिस्टर दानिश नागरानी का कत्ल किया। डिफेंस की खामोशी इस बात का सबूत है। Do you agree with me, Mr. Pathak? Mr. Pathak, do you agree with me? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.